हाय दोस्तों, केरला फ्लेवर चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम रसम की रेसिपी देखेंगे। ये परिप रसम है, मतलब दाल रसम, और ये बहुत आसानी से बना सकते हैं और बिना रसम पाउडर का रसम है ये। अब चलिए देखेंगे इसकी रेसिपी। सबसे पहले 2 टेबलस्पून का तुअर दाल हम अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इसमें 1.5 कप का पानी डालेंगे, फिर कुकर में कुक करेंगे। अगर आप सांभर या दाल वगैरह बनाते हैं तो वो उसमें से थोड़ा सा दाल निकाल सकते हैं आप। मैंने तो यहाँ पर रसम के लिए अलग बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ऐसे दिखाया है। अब हम 1 कप पानी में छोटा सा गूसबेरी साइज़ का इमली डाल के रखेंगे, भिगो के रखेंगे। अब हम रसम के लिए फ्रेश वाला रसम मसाला बनाएंगे। उसके लिए 5 लहसुन डाला है मैंने मिक्सर पर, और 1 स्पून काली मिर्च डालना है, और 1 स्पून जीरा, और 1 चम्मच धनिया डालना है, होल धनिया, और उसके बाद कड़ी पत्ते भी डाल के इसको अच्छे से क्रश करेंगे। पेस्ट नहीं बनाना है, बस क्रश करना है। अब हम इमली का जूस निकालेंगे। अब टमाटर को कट करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, और ये दाल रसम है इसलिए ज़्यादा टमाटर अच्छा लगेगा इसके लिए। अब जो इमली का पानी में हल्दी डालेंगे, और उसके बाद ये टमाटर भी डाल के हाथ से ऐसे स्क्वीज़ करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको हाथ से करना अच्छा नहीं लगता तो मिक्सर में जो टमाटर को थोड़ा सा क्रश करने के बाद ये रसम में मतलब ये जो पानी में मिक्स करेंगे, इमली का पानी में मिक्स करेंगे। और अब हम नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद जो मसाला हमने रखा था वो डालेंगे। फिर हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 और कप पानी एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। फिर इसमें हींग का पाउडर डालना है 1/2 टीस्पून। फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें धनिया के पत्ते डालना है। इसको ऐसे ही कट करके डाल रही हूँ हाथ से ही। अब रसम का पानी रेडी हो गया है। अब हमारा दाल भी अच्छे से पक गया है। 5 विसिल रखा है मैंने यहाँ पे। अब इसको अच्छे से स्मैश करेंगे। बिल्कुल पानी जैसा होना चाहिए, एक भी दाल नहीं दिखना चाहिए। तो उसके बाद हम ये रसम का पानी दाल में डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम एक कढ़ाई गरम करेंगे, और उसके बाद इसमें तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पे तिल का तेल यूज़ किया है, और उसके बाद 1/2 टीस्पून का मस्टर्ड सीड्स डालना है। उसके बाद 2-3 ड्राई चिलीज डालेंगे हम। फिर इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। उसके बाद इसमें कड़ी पत्ता भी डाल रही हूँ। फिर इसमें 1/2 टीस्पून का हल्दी डाल रही हूँ। थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। और अब हम जो रसम का पानी इसमें डालेंगे और उबाल आने का वेट करेंगे। रसम को ज़्यादा उबालना नहीं चाहिए, इसलिए एक बार ऐसे उबाल आ गया तो हम स्टोव फ्लेम बंद करेंगे। रसम को मीडियम फ्लेम पर रखे ही उबालना है। अब देखिए उबाल आ गया है, स्टोव फ्लेम बंद करेंगे हम। टेस्टी रसम रेडी हो गया है। बहुत टेस्टी है, दिखने में भी बहुत मस्त है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप सब लोग ट्राई करके देख लीजिए। ट्राई करने के बाद आपके फीडबैक ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करना ना भूलें, और शेयर भी कर लीजिए फ्रेंड्स के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।